Viewers, this is Pakistan's most iconic and most luxurious one canal house by Trendsetter Homes और इसको डिजाइन किया है मोहसिन अली ने। डीएचए लाहौर के अंदर मैंने जब भी आपको कोई घर दिखाया ना तो इस चीज की गारंटी होती है कि वो घर बहुत लग्जरियस होता है, जैसा कि ये घर जो कि कमाल का एक प्रेस्टीजियस वर्थ रखता है। और व्यूअर्स, इसमें डबल हाइटेड लॉबी है और जो इतने खूबसूरत शैंडलियर्स हैं, थैंकफुली टू ट्रेंड सेटर लाइट्स और टाइल्स यूज की गई हैं इस घर के अंदर, और वही उन्होंने इस घर को कंस्ट्रक्ट भी किया है और मोहसिन अली ने इस घर को डिजाइन किया है ट्रेमेंडसली। व्यूअर्स, एक फ्लैबरगास्टिंग एक्सपीरियंस है इस घर का जो थोड़ी देर में आपको सारा विजिट करवाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर जिस घर के ऊपर मैं मौजूद हूँ, एक कनाल का एक फ्लैबरगास्टिंग एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है और DHF फेज 7 लाहौर की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर, यानी बिल्कुल ही साथ मैकडॉनल्ड्स है, आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और खूबसूरत इनलेट फसाड है व्यूअर्स जो कि मॉडर्न लाइंस के ऊपर बनाया गया है, और उसके साथ आपके पास LED स्ट्रिप लाइटिंग है जो कि इस घर को इसकी आइकॉनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। लाइट्स की बातें मैं कर चुका हूँ कि ट्रेंड सेटर्स की चूँकि लाइट्स और टाइल्स यूज़ की गई हैं तो वो इतनी फिनेस्ड हैं, इतनी कमाल की ह्यू है और इंटेंसिटी है कि इस घर की जब आप रात की लुक देखते हैं या दिन की लुक देखते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको फील होता है। व्यूअर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस घर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आप अगर पीछे जाके रोड व्यू इसका करते हैं तो इसकी बेसिकली एक अपनी प्रेजेंस है जो कि इसके ग्रे टोन्स को बड़ा ज़बरदस्त जाहिर करती है इस खूबसूरत मौसम के अंदर। तो व्यूअर्स, ये घर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10,95,00,000 रुपये के अंदर आप खरीद सकते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस। थोड़ा सा मेरे साथ आए, यू हैव द रैम्प स्पेस हेयर, आपके पास इस साइड पर खूबसूरत पोर्च स्पेस है जिसमें आप आराम सुकून से 3-4 बड़ी गाड़ियां अकोमोडेट कर सकते हैं, और राइट साइड पे व्यूअर्स इसका आइकॉनिक पोडियम स्पेस है जहां पर 13 फीट हाइट का डोर है और आपके पास बहुत कमाल का हॉर्टिकल्चर स्पेस डेवलपमेंट है यहां पर। इस साइड पे जो दुनिया है उसको जल्दी से जाके देखते हैं व्यूअर्स, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि फेज 7 DHA लाहौर के अंदर ट्रेंड सेटर्स का ये घर कितना खूबसूरत और कितना मैजिकल है। घर के अंदर जो कि भाई एक कनाल का घर है और 50x90 की खूबसूरत डायमेंशन के ऊपर बना हुआ है। व्यूअर्स, कमाल की डबल हाइटेड स्पेस आपको मिलती है जिसमें कमाल का लाइटिंग वर्क है बाय ट्रेंड सेटर्स, और आपके पास जो यहां पर इटालियन नोवा फिनिशेस है वो तो फ्लैबरगास्टिंग है, बहुत कमाल का आपके पास यहां पर पैनलिंग वर्क, स्टारलाइट थीम में आपके पास लाइटिंग वर्क। और ये वो दरवाजा था जहां से मैं एंटर हुआ, और DHA के लॉज के अकॉर्डिंगली आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर और हैंडल्स बड़े मजे के, यानी सिंपल हैंडल्स, स्लीक हैंडल्स, इजी टू ऑपरेट, आप कोई बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। व्यूअर्स, इस साइड पर एक्चुअली में इसकी घर की जो लुक है वो आपको समझ आने लग पड़ती है। इंटीरियर में बहुत ग्लास यूज किया गया है जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइब आती है घर की, और बाहर बहुत ज्यादा ग्लास यूज नहीं किया गया ताकि प्रैक्टिकलिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहे इस घर की, यानी बाहर से लाइट अंदर की तरफ ज्यादा ना आए ताकि गर्मी ना बढ़े, लेकिन इंटीरियर में बहुत ज्यादा ग्लास है, आप देख सकते हैं ग्लास डोर्स हैं, इवन किचन का ग्लास
ग्लास डोर है भाई, तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाइब घर अंदर से बहुत लग्जरी फील्स के अंदर बनाया गया है। बाहर से जो फसाड है उसका तो लाजवाब एक लाइटिंग एक्सपीरियंस है और बहुत कमाल का फसाड है। व्यूअर्स, लेफ्ट साइड पे आपके पास इसका स्टे वर्क है जो आपको ऊपर लेके जाता है इसकी मैजिकल दुनिया में फर्स्ट फ्लोर की, और इस साइड पे इतनी बड़ी लॉबी स्पेस है और ये जो टाइल्स हैं ये भी बाय ट्रेंड सेटर्स हैं। ऊपर की तरफ व्यूअर्स देखते हैं तो आपके पास कमाल का इसका डबल हाइटेड स्पेस है और बटरफ्लाई शैंडेलियर है जो कि आपको बहुत आइकॉनिक और ट्रेमेंडस लुक प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अंडर द स्टेयरकेस आपको मिलता है इसका पाउडर सेटअप। पाउडर सेटअप में व्यूअर्स आपके पास वैनिटी है जो कि बहुत स्लीक अंदाज के अंदर है। आपके पास बहुत कमाल का यहाँ पर ये वैनिटी सेटअप है सिंगल कट में, और ऑन द राइट साइड आपके पास ये कमोड स्पेस है जिसमें आपके पास बहुत कमाल का ग्रे टाइल वर्क है और उसी तरह का स्टे वर्क आपको ऊपर देखने को मिलता है। इस साइड पर व्यूअर्स बात करें तो आपके पास चूंकि ड्राइंग और डाइनिंग है इस साइड पर, तो इसके ऊपर ये जो ग्लास लगा हुआ है और वो जो ग्रीनरी की लुक आपको मिल रही है ना, और उसके पीछे खूबसूरत डे लाइट की इन्वायरमेंट, डे लाइट सनलाइट, वो बहुत कमाल का एक इफेक्ट आपको मिलता है। तो मिक्स ऑफ कंटेम्परेरीनेस, मिक्स ऑफ मॉडर्ननेस, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन मुझे इनके ये जो दरवाजे हैं ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि इससे आपको एक तो इंटीरियर फ्रेमिंग की वो स्पेस देखने को मिलती है और दूसरे इनका डिज़ाइन बहुत मज़े का है। यानी कमाल का ग्लास यूज़ किया गया है और उसके साथ ये जो वुडन फ्रेमिंग है, यहाँ से आप एंटर होते हैं भाई इस कमाल के डाइनिंग प्लस ड्राइंग स्पेस के अंदर। और इसके सबसे खूबसूरत चीज़ ना ये जो क्रिस्टल वर्क है लाइटिंग के अंदर, क्योंकि इनकी सारी लाइट्स ट्रेडमार्क हैं। ये चेक करें शैंडेलियर, ओए होए 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 यार, अगर आप सिर्फ डिटेलिंग देख लेना जो मैं करीब से देख पा रहा हूँ, शायद कैमरे में उस तरह समझ ना आ रहा हो, ये एक एक सिंगल पीस है चिड़िया का जो कि ग्लास से बना हुआ है और इसके ऊपर ऊपर से वो जो स्टार लाइट है वो पड़ रही है, तो ये इतनी मज़े की चमक रही है कि आपकी सोच है। सेम गोज़ विद दिस शैंडेलियर जो कि एक बड़ा मज़े का एक मार्शमेलो शैंडेलियर है। अगर आप गौर से देखें तो एक मार्शमेलो इफेक्ट शैंडेलियर है और उसके पीछे आपके पास ये कर्टन्स हैं जो कि रूफ टू सीलिंग एक्सटेंडेड है और सामने आपका इंटीरियर गार्डन का व्यू। तो भाई बहुत ज़बरदस्त। इस साइड पे आपके पास लंबी स्पेस है जिसमें डाइनिंग स्पेस, ड्राइंग स्पेस, आपके पास लेफ्ट साइड पे आपका फायरप्लेस, एसीज़ का सेटअप, तो ओवरऑल एक बड़े अच्छे एस्थेटिक्स और वाइब के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। इस साइड पे व्यूअर्स आपके पास जो है आपके किचन में जाने का रास्ता भी मौजूद है ताकि आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकें। अभी मैं आपको बाकी का घर दिखाता हूँ क्योंकि हर जगह पर ना कुछ मैजिक छुपा हुआ है, तो मैं आपको एक एक चीज़ तफसील में दिखाना चाहता हूँ। अब टीवी लाउंज को काफ़ी बड़ा रखा गया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका टीवी लाउंज में गुजरता है फैमिलीज़ का। इधर भी एक आइकॉनिक शैंडेलियर है, आपके पास दो बड़ी विंडोज़ हैं जिससे लाइट बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्म हो रही है अलॉन्ग विद एयर वेंटिलेशन, और आपके पास जो राइट साइड पे इवन वॉकवे है उसको भी बहुत अच्छा ग्रीनरी से डेकोरेट किया गया है। सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं व्यूअर्स घर के अंदर, तो आपके पास सामने डिस्प्ले है। आपके पास दो बेडरूम्स यहाँ पर हैं और ये है व्यूअर्स औरतों का फेवरेट सब्जेक्ट और इस घर का सबसे प्यारा पॉइंट जो कि इसका अमेरिकन ओपन स्पेस एज वेल एज एक पार्शली क्लोज्ड किचन है जो कि यहां पर बनाया गया। यानी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, सेम उसी तरह के आइकॉनिक डोर्स लगे हुए हैं, और आप इसको खोल भी सकते हैं, तो आपके पास ये लुक है इंटीरियरली सारे के सारे किचन की। आपके पास व्यूअर्स यू शेप या सेमी यू शेप में इसको बनाया गया है, कोरियन काउंटर टॉप है भाई, एक इन बिल्ट डाइनिंग है, उसके साथ बाकी का सेटअप जो है वो सारा एक्सटेंडेड टू द सीलिंग है। यानी ये हाइटेड किचन है और इसमें भी आपके पास इतना प्यारा शैंडेलियर यहाँ पे लगाया गया है जो कि बिल्कुल पॉइंट कर रहा है इस आइलैंड की तरफ जिससे तुम न्याणिया खाना छाना खवाना है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है आपके पास साइड बाय साइड, आपके पास दो ओवंस हैं जो कि रेज के हैं, आपके पास हायर की फ्रिज है हाइटेड, चूंकि ये ओ हो ये क्या मज़ेदार सेटअप है। अब व्यूअर्स ये चेक करें, बेसिकली दो टोन्स के अंदर इसको बनाया गया है। आपके पास ग्रे कैबिनेट्स हैं, बीच में वाइट कोरियन स्टेनलेस स्टील, एक बड़ी कमाल की विंडो जिससे लाइट आ रही है, और ऊपर ग्लास यूज़ किया गया है जिससे आपको शैंडेलियर का रिफ्लेक्शन आता है। अब ये नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर चल रहा है भाई, और उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर हाइटेड सारा सीमलेस फ्लो के अंदर, कोई हैंडल शैंडल वाला वो मसला नहीं है, सिंपल एक मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक्स के अंदर जो आजकल का ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और मॉडर्न डिज़ाइन है उसके अंदर सब कुछ किया गया है। यहाँ पर आपके पास हुड है, हॉब है, आयरन मैन हुड लगाया गया, और ये बड़ी मज़े का टेक्स्चर है इसका, स्वादी, इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। इवन इसकी एलुमिनियम फ्रेमिंग के अंदर लाइटिंग है और ओवरऑल ये सेटअप है। अच्छा, इस साइड पे ग्रीजी सेटअप में इन्होंने स्लाइडिंग डोर दिया, आप ग्रीजी सेटअप का सेटअप देख सकते हैं, सर्वेंट आपके यहाँ से आराम से आ सकते हैं, और ओवरऑल आपके पास यहाँ पे नेस गैस का हुड एंड हॉब है।
तो ये व्यूअर्स ओवरऑल डिज़ाइन था आपके पास। टीवी लाउंज मैंने आपको दिखा दिया, लाइट्स का अगर आप गौर से देखें, ये लाइट जल रही है, आपको ऐसा लग रहा है वो लाइट नहीं जल रही, लेकिन आप जब इसके करीब जाते हैं तो आपको ये फील होता है भाई लाइटें सारी जल रही हैं लेकिन इन लाइट्स के अंदर ग्लेयर नहीं है। तो यही बात है ट्रेंड सेटर्स की कि इसके अंदर कोई ग्लेयर नहीं आता, आपको ऐसा फील होता है कि लाइट्स क्लोज्ड हैं, कोई आंखों में नहीं पड़ती, बूढ़े लोग भी होते हैं घर के अंदर, तो ये बड़ा फ़ायदा है। इसके अंदर मास्टर बेडरूम्स हैं व्यूअर्स, दो आपको सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ओए होए 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 क्या बात है भाई, ओए होए होए हो, यानी बिल्कुल इन द मिडल। ये जो पार्टीशन है एक लाइमस्टोन पार्टीशन आपको फील हो रही है, बेसिकली सिंथेटिक से बनाई गई है। उसके पीछे आपके पास यहाँ पर है इसका क्लोजेट स्पेस जो कि सारा का सारा एलईडी लिट है, ग्लास पैनल्स हैं ऊपर ऊपर तक, ऊपर जो आपके पास पैनलिंग है। तो ये भाई बड़ी ज़बरदस्त सेटअप है, यानी आपकी मीडिया वॉल इस साइड पे है जो कि एक टीवी लाउंज जितनी बड़ी मीडिया वॉल है। आपके पास ऑन द राइट बड़े क्लास के कर्टन्स लगा के दिए जा चुके हैं जिसपे आपकी विंडो है, और सामने आपका बेड पड़ा होगा, इसके ऊपर आपके पास ये शैंडेलियर होगा। तो आप इमेजिन करें कि आपकी बेड वॉल जो है वो ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, और इतनी प्यारी, इतने अच्छे एस्थेटिक्स एक केवी एस्थेटिक्स के अंदर आपको मिलती है या मोरक्कन एस्थेटिक्स के अंदर। तो आप सिर्फ गद्दा भी ला के रख देंगे ना तो ये लुक मेरे ख्याल में कमरे की चेंज हो जाएगी। क्या बात है यार। उसके साथ व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे कुछ आर्ट वर्क है, अगर आप इसके पल्ले का साइज देखें वार्डरोब के, ओए होए 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 ह्यूज यार, ओ तू दिल के थल्ले तक, क्या बात है भाई। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, इस साइड पे आपके पास ये सारा बेवल्ड ग्लास है, तो आप अपने आप को सीधा पतरा कर सकते हैं, साथ साथ कपड़े चेंज कर सकते हैं यहाँ से निकाल के, तो आपके पास एक बिल्ट इन ड्रेसिंग भी है। अब असल गेम की तरफ आते हैं व्यूअर्स, जो कि इसका वॉशरूम है। सबसे पहले तो हाइटेड दरवाज़ा है भाई, वही दरवाजे का साइज़ वॉशरूम का है जो आपके कमरे का है। हुण तुसी बड़े वॉशरूम विच, ओए होए 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 होए, क्या कमाल का वॉशरूम है भाई। मतलब सबसे पहले एक ही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट साइड पे आपके पास वैनिटी सेटअप है, ठीक है, उसमें भी आपके पास गोल्डन सैनिटरी है जो कि आपको नज़र आ रही है। आपके पास फ्रंट लिट एलईडी मिरर है सिंगल कट, और सबसे आइकॉनिक पार्ट, मतलब अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ से थोड़ा टाइल वर्क डिफरेंट हो जाता है। इस साइड पर आपको मिलेगा ये शॉवर सेटअप, देखें कितना प्राइवेट स्पेस के अंदर है, मतलब इतने नानदा मज़ा ही अपना है। ऊपर आपके पास गोल्डन शॉवर है कंसील्ड, नीचे की तरफ गोल्डन टूटियाँ छूटी हैं। अब ये वो स्पेस है ना, मतलब बंदा यहाँ नहा रहा है तो बंदा फील कर रहा है कि उसको कोई नहीं देख रहा, तो ये भी एक बड़ी प्राइवेट स्पेस है। उसके साथ व्यूअर्स वैनिटी, आपके पास WC है आपका, जिसके पीछे बड़ा अच्छी नीशेज हैं, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है, यानी अपलिफ्टेड आपके पास ये जकूजी है, और इसके पीछे ये जो लाइंस हैं टाइल्स की, ये आपको एक इन्फिनिटी इफेक्ट मिल रहा है। और आपके पास एक पूरी विंडो भी है जिसमें मैंने कर्टन नीचे किया हुआ है, आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे है तो आपके पास अपना शैंडेलियर है इस जकूजी को के ऊपर पॉइंट करता हुआ। तो भाई नेक्स्ट लेवल एस्थेटिक्स के ऊपर ना इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है, क्या बात है। इस कमरे के अंदर आते हैं व्यूअर्स, थोड़ा ब्लैकनेस मिलेगी आपको इसमें, यानी ब्लैक कर्टन्स, ब्लैक आर्टवर्क, लाइट्स और सीलिंग आपके पास बहुत एलिगेंट। आपके पास आपकी फीचर्ड वॉल है, इस साइड पे आपके पास व्यूअर्स इसका वॉशरूम है, जिसमें मुझे सबसे प्यारी चीज़ ये लगी, ये एक लीफ डिज़ाइन में वैनिटी, इसका वार्डरोब सारा का सारा इसके अंदर है वॉशरूम के। आपके पास कमोड एरिया है, और आपके पास शॉवर स्पेस है जो कि बड़ी स्लीक, बड़ी नाइस एस्थेटिक्स के ऊपर बनाई गई है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और मैं जाके आपको इसका खूबसूरत और ट्रेंडी फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और भाई ये जो डबल हाइटेड लॉबी है ना, इसका व्यू परमानेंट है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से। और लेफ्ट साइड पे भी आपके पास टेरेस स्पेस है, राइट साइड पे पैटियो स्पेस है जिसमें एक वाटरफॉल है जो मेरा फेवरेट हो चुका है इस टाइम पे, और राइट साइड पे आपके पास किचनेट स्पेस, दो कमरे, और इस साइड पर इसका मास्टर बेडरूम है जिसका भी वॉशरूम आपको दिखाऊंगा। सबसे मज़ेदार चीज़ जो इस घर के अंदर है ना, वो इनका लाइटिंग वर्क है, क्योंकि इस तरह का डेलिकेट लाइटिंग वर्क, इस तरह का क्रिस्टल वर्क, अभी आपको ये शैंडलियर मैंने दिखाना है, तो मतलब ये आप ना नॉर्मली नहीं देखते किसी घर के अंदर, ये बहुत कम होता है, ये बहुत डेलिकेट मुझे लगा, लेकिन इंतहाई अच्छे से इसकी अगर नीटनेस आप लोग देखें इसके अंदर, मैं अभी बहुत ध्यान से इसको फील कर रहा था, देख रहा था, मैंने एक एक बल्कि इसको टच करके देखा है, ये इतने हुक से, इतने क्लासीनेस से और इतनी डिटेलिंग से लगाया गया है ना कि ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है, और बड़ा मजबूत आपको फील होता है। तो उसी तरह से उतनी क्लास की इसकी लुक भी है, एक स्नोफ्लेक शैंडलियर, सामने बटरफ्लाई शैंडलियर, ऊपर आते ही आपके पास ये लग्जरी सारी
सारी स्पेस है जो कि इसका टीवी लाउंज है और सामने आपके पास मीडिया वॉल है। इस साइड पे व्यूअर्स एक टेरेस है आपके पास जो कि बेसिकली साइड टेरेस है, तो आप शाम के टाइम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बोर हो जाते हैं तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके पैटियो स्पेस के अंदर, जिसमें सिटिंग स्पेसेस ऑलरेडी बनी हुई है, मार्बल बेंचेस हैं, मार्बल सेंटर टेबल है जिसमें आपके पास फायर प्लेस है, आपके पास इस साइड पर भी बैठने की जगह है, काफ़ी अच्छा फ्लोर बोर्डिंग है और ग्रे टाइल वर्क है सारा का सारा। और ये मेरे फेवरेट वाटरफॉल है, एक तो इसका जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है, यानी पता भी नहीं चलता आपको कि यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, दूसरा टाइल्स के ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और कॉन्टीन्यूस फ्लो के ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर से ये ऐसे ड्रॉप डाउन कर रहा है, मतलब बड़ा मज़े का है। और आपको हल्का हल्का वो शोर फील होता है, कुछ वाटरफॉल्स होते हैं बड़े लाउड होते हैं तो तुम बह ही नहीं सकते, तो इस इधर आपको हल्का हल्का शोर फील होता है। फिर आप यहाँ से आराम से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको एक बिल्कुल सूदिंग, एक बड़ा कामिंग वाइब आपको फील होती है, तो इस वाटरफॉल के ये बड़े फ़ायदे हैं। इस साइड पर व्यूअर्स आते हैं तो इसका मास्टर बेडरूम है, इसमें आपके पास पत्तों वाला वो शैंडलियर है जो कि अगेन बहुत डिटेल्ड है। मास्टर बेडरूम का साइज इज़ मैग्निफिसेंट। ऑन द लेफ्ट यू हैव द मीडिया वॉल, ऑन द राइट आपके पास फीचर्ड वॉल है जिसमें आर्ट वर्क भी है, और इस साइड पे आपका वाटरफॉल वाला जो सिस्टम है वो सारा है। इधर भी स्ट्रिप लाइटिंग, एल्यूमिनियम लाइटिंग यूज़ की गई है प्रोफाइल। आपके पास फ्रंटल टेरेस है इस घर का, आपके पास ओए होए, ये मैं आपको जल्दी दिखाना चाहता था। ओ व्यूअर्स, इसका ना मतलब मज़ा ही हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले जहाँ से आप एंटर हुए, आपके पास बोथ साइड्स पे ना ग्लास वर्क वाली वार्डरोब है जिसमें LED प्रोफाइल लाइटिंग बिल्ट इन है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रिप लाइटिंग है। तो ये वॉकवे अगर आपने क्रॉस करना है, ब्लैकनेस के अंदर से नीचे वाइट टाइल है, कॉन्ट्रास्ट बड़े मज़े के हैं। फिर आप आते हैं आगे, अब कुछ लोग दोनों साइड्स पे डबल वैनिटीज देते हैं, इन्होंने आजू बाजू सामने आमने सामने दे दिए हैं, तो एक बंदा इतने दंत ब्रश कर रहा है, दूसरा बंदा इतने मुंह धो रहा है, तो एक दो साइड्स आपको मिलती हैं। इस साइड पे फिर आप आते हैं तो ब्लैकनेस स्टार्ट हो जाती है इस एंट्रेंस से, जहाँ पर एक शैंडेलियर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ जो कि कमाल का नारकली स्टाइल है, और नीचे की तरफ भाई आपके पास कमोड स्पेस है जिसको नीचे से तो ब्लैक एनेमलिंग की गई है, और बिल्कुल आपके पास इन द मिडल इसका बाथ टब सेटअप है जो कि बहुत स्लीक और नाइस है। इस साइड पर आपके पास कमोड स्पेस है और राइट साइड पर आपके पास इसका शॉवर स्पेस है। तो व्यूअर्स, ये सारा सेटअप था, बहुत कमाल का वॉशरूम, बहुत कमाल का लाइटिंग वर्क, टाइल वर्क मैग्निफिसेंट, एक एक चीज़ में जो शाइन है, ग्लॉसीनेस है, वो आपको लिटरली यहाँ पे फील होती है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स, किचनेट स्पेस है, ठीक है, नॉर्मल आपके पास प्रैक्टिकलिटी के लिए स्टोर एरिया है, आपके पास होना चाहिए घर के अंदर। आप सामने जाते हैं आपको आर्टवर्क मिलता है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास रूम्स हैं, एक रूम ये है, सारे तकरीबन मास्टर बेडरूम्स हैं, सब में एयर इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, फीचर्ड वॉल्स हैं, मीडिया वॉल्स हैं, इवन स्पेस बहुत अच्छी है कनाल के घर से, बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, पैटियो स्पेस बहुत अच्छी है, तो मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिकली भी घर को देखना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ। इस साइड पर आपके पास वैनिटी सेटअप है, ग्रे टोन्स में यहाँ पर काम किया गया है, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, वो इसका जो क्लोजेट स्पेस है वो अंदर है। आपके पास जो वॉशरूम की भी सीलिंग हाइट है बहुत ज़्यादा है भाई, 12-12 फुट। नीचे कमोड स्पेस, और इस साइड पे आपके पास शॉवर सेटअप है जो कि टेम्पर्ड ग्लास कवर्ड है, और ये टाइल चेक करें, ओए होए 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 यार, डिटेलिंग का जो लेवल है ना इनसेन है, इनसेन, यानी छापा छापी नहीं है कि नीचे ये बेडरूम बना दिया ना यार उसी तरह से ऊपर छाप लो, ऐसा नहीं है, हर बेडरूम का अलग से इंटीरियर किया गया है। ये चेक करें आप, ये कम्प्लीटली डिफरेंट लाइटिंग में भी, एस्थेटिक्स में भी, पर्दों में भी, मीडिया वॉल में भी, टाइल तकरीबन सेम है घर के अंदर जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक क्लाउडी इफेक्ट है टाइल के अंदर। अब ये इसका वॉशरूम है, अब देखें वो टाइल जो मैंने पिछले वॉशरूम में आपको दिखाई थी ना, वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ये रगेडनेस मिलती है, फील कर सकते हैं आप इसकी डिटेलिंग, इसके पीछे डिटेलिंग चेक करें जो करेक्टर है इस टाइल के अंदर। और नीचे आपके पास कमोड कह रहा हूँ वैनिटी, इस साइड पर आपके पास वॉल हंग कमोड, इसका आपके पास सारा क्लोजेट सेटअप, और बीच में आपके पास ये शॉवर कैबिन है इसका। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट टूर था, बड़े मुनासिब पैसों के अंदर ये घर अवेलेबल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रابطہ करने के बाद इस घर की विजिट्स प्लान कर सकते हैं और इस घर की कोई ना कोई डील बना सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो इस घर से कोई फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।